गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का, मैं नितिन सिंह राजपूत। पढ़ते हैं आज पर्सोनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द ऑब्जेक्ट और थिंग। देखिए, नॉन ह्यूमन थिंग्स को और ऑब्जेक्ट्स को हम ऐसे शो करते हैं एज इफ दे आर लिविंग थिंग्स, मानो वो चीजें लिविंग थिंग्स है। और इसमें ट्रिक्स क्या होती है कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उनको ह्यूमन बताया जाता है। सो ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स आर शोन हियर। सो वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ओवर हियर। द फर्स्ट एग्जांपल, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। लाफ्टर मतलब हंसी मजाक, क्या आपको दोनों तरफ से पकड़ सकती हैं? सेकंड, द रॉक्स रोल्ड एंड द सी स्माइल। रॉक जोर जोर से दहाड़ता है और समुद्र हंसने लगता है। हियर रॉक और सी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बट एज इफ दे आर शोइंग दैट दे आर लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स को यहाँ पे लिविंग थिंग्स बताया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, द फायर स्वैलोड द एंटायर फॉरेस्ट। जंगल में आग लगी और पूरे आग ने पूरे जंगल को खा लिया। हियर सी फायर नॉन लिविंग थिंग, फॉरेस्ट That is living thing, but here it is यहाँ पे क्या शो किया है कि फायर ने फॉरेस्ट को खा लिया। The sun smiled and chased away the angry clouds। सूरज हंसा और उसने सारे क्लाउड्स को भगा दिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में बताया गया है। The moon smiled upon the river। मून चांद जो है रिवर के ऊपर हंसता है। So here टुडे वी डिस्कस अबाउट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में बताया जाता है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू दी ऑब्जेक्ट और थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पर्सोनिफिकेशन अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको पढ़ते हैं। ऑक्सीमोरॉन। नो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स बताई जाती है। इस फिगर ऑफ स्पीच में टू ऑपोजिट क्वालिटीज को एड किया जाता है। And something it is added to the opposite quality. Contrast is shown to us. Now, what is the trick to identify this oxymoron figure of speech? Trick is given here. Only one thing, that is opposite words. तो यहाँ पे एक ही चीज है, आपको यहाँ पे ट्रिक ये है कि opposite words show किए जाते हैं। So, read the example. His new friend is pretty ugly. देखो, प्रिटी भी है और अगली भी है, दोनों अपोजिट वर्ड है। प्रिटी सुंदर, अगली दैट इज नॉट लुकिंग गुड। तो प्रिटी और अगली ये दो वर्ड्स यहां साथ में दिखाए गए हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट। जिंदगी काफी बिटर भी, जिंदगी कड़वा गोल है, मतलब खट्टी भी है मीठी भी है। तो यहाँ पे बिटर और स्वीट दोनों वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं अपोजिट वर्ड्स है। This is an open secret. Open भी है, secret भी है, मतलब सबको पता भी चल रहा है। So opposite word, open and secret, these are the two words are used here. Now next one, figure of speech. अगला figure speech है apostrophe. तो apostrophe क्या होता है? इसमें जो dead चीजें होती हैं, absent objects होते हैं या ideas को यहाँ पे दिखाया जाता है। Oh holy night. Here see exclamation mark is used in apostrophe. So dead, abstract, absent objects are shown, ideas are shown using the exclamation mark. Now next one, alliteration. Now what is mean alliteration? Alliteration होता क्या है? Having the same consonant sound later repeat. इसमें क्या होता है? Consonant sound होता है और उसको बार बार repeat किया जाता है। Here one example, Kira kids kept playing. Kira kids kept playing. इसमें K, Kira का K, kids का K और kept का K, this K साउंड के इज कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। दिस एलिटरेशन हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी विल डिस्कस दैट इज हाइपरबली। तो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हाइपरबली को पढ़ते हैं। हाइपरबली क्या है? गिविंग एक्स्ट्रा एग्जाग्रेटेड स्टेटमेंट, मतलब बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति करक की जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें चीजों को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतना थक गया हूं कि मैं एक साल सो सकता हूं। यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बताया गया है, कोई एक साल नहीं सो सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि
उसकी थकावट बताई गई है कि वो इंसान कितना थक गया है तो एक साल सो सकता है. आई हैव टोल्ड यू 1000 times अबाउट दिस, मैंने आपको 1000 बार बोला ना. मतलब क्या है, क्या आपने बोलते वक्त उसको काउंट किया था, 1000 बार आपने उस चीज को काउंट किया था? नहीं. इस चीज को बढ़ा चढ़ा के, मतलब कोई भी चीज आपने किसी को कही होगी उस चीज को आप बार बार दोहरा रहे हो तो एग्जैग्रेशन स्टेटमेंट. मतलब 1000 बार बोल दिया मैंने आपको, माई शूज आर किलिंग मी, मतलब ये शूज इतने गंदे हो गए हैं कि आप ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे और भी डिसीजेस उससे हो रहे हैं. आई कैन स्माइल पिज्जा फ्रॉम अ माइल अवे, माँ किचन में खाना बना रही है आपके लिए, पिज्जा बना रही है, बर्गर बना रही है, कुछ भी माँ आपके लिए कुछ भी बना रही है, तो उसको आप हजारों माइल से सूंघ सकते हो कि भाई आज संडे है और आज हमारे घर में किचन में कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है. शी स्वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतनी रोई कि मान लो समुन्द्र भर गया. तो यहाँ पे इतना कोई रो सकता है? नहीं. तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि इन हाइपरबली क्या बताया जाता है, इन विच थिंग्स आर पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर. मतलब जो भी चीजें हैं या जो भी इंसान है उनको बढ़ा चढ़ा के उनसे इम्पोर्टेंस, बड़ी चीज उनसे बड़ी चीज या उनसे छोटी, या उनकी क्वालिटीज कम या ज्यादा, या अच्छी या बुरी बता के हुए जो वो है वो चीज नहीं दिखाई जाती है, उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है. 10,000 saw I at a glance, एक ही समय में 10,000 लोगों को देख सकता हूं. She wept ocean of tears. So these are the sentences which shows that here exaggerated statements are shown us and here कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है. और अगला है antithesis. Antithesis में क्या होता है, इन अ सेंटेंस द ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर यूज साइड बाय साइड, दो ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे साइड बाय साइड इस्तेमाल की जाते हैं. गॉड प्रपोजेस गॉड, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान योजनाएं बनाता है भगवान उसको खत्म कर देता है. अवर लॉस इज अवर गेन, जो हम गमा दिए हैं वही चीज हमने पाई है. स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, जो हम बोलते हैं वो काफी सुनहरा होता है लेकिन शांति से रहना ये काफी सुवर्ण अक्षरों के जैसा है. तो स्पीच साइलेंस ऑपोजिट वर्ड है, लॉस गेन ऑपोजिट वर्ड है, प्रपोज और डिस्पोज ये ऑपोजिट वर्ड्स है, इन एंटीथेसिस ऑपोजिट वर्ड्स आर शोन टू अस. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट पर्सोनिफिकेशन, आज हमने पर्सोनिफिकेशन की बात की जहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज को शो किया जाता है और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन थिंग्स बताया जाता है. ऑक्सीमोरॉन में आपने ऑपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए दिखा है और एपोस्ट्रॉफी में एक्सप्लेनेशन मार्क करते हुए आपने यहाँ पे डेड और अब्सेंट ऑब्जेक्ट्स को बताया जाता है. एलिट्रेशन में क्या बताया जाता है, द सेम कंसोनेंट साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है. हाइपरबली इस फिगर ऑफ स्पीच में आपने देखा कि यहाँ पे एग्जेक्यूटिव स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे मतलब जो चीजें हैं, जो पर्सन है उनको रिप्रेजेंट बताया जाता है कि वो उनमें जो क्वालिटीज है वो जो है उससे ज्यादा है, या उनमें जो क्वालिटी है वो ज्यादा या कम होती है, अच्छी या बुरी होती है, लेकिन वो एक्चुअली जो दिख रहे हैं वो नहीं होता है. और लास्ट में हमने एंथीसिस को पढ़ा.